दीपांका का और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल चले हम पर। और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के जो इस बार का 2020 सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीनियर स्टूडेंट्स, इस साल COVID-19 पैंडेमिक के वजह से सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% रिडक्शन हुआ है और हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है जिसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और वीडियो को पोस्ट करके क्लास 11 में जो दो किताब है आपका पॉलिटिकल साइंस का, एक ही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो आपका पार्ट वन है और पार्ट टू है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये दोनों किताब को आप अपने सामने रख लीजिए और साथ में लीजिए कलम और पेंसिल। और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी जहां जहां टिक करना है वहां टिक कर लीजिए, जहां कट करना है वहां कट कर लीजिए। तो लेट डिस्कस क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस 2020 के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम पार्ट वन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो किताब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप किताब को खोलिए और जो कंटेंट है उसको आप खोल के रखिए। ओके सी, यहाँ जो हमने लिखा है वो आपका फिलहाल आपके पास जो किताब अवेलेबल है उस हिसाब से हमने ये चैप्टर्स लिखे हैं इसमें। तो इसमें क्या है आपका यूनिट्स है और यहाँ पे कंटेंट्स है। तो यूनिट वन पे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, सेकेंड यूनिट है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड यूनिट है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, नंबर फोर पे है एग्जीक्यूटिव, नंबर फाइव में है लेजिस्लेचर, नंबर सिक्स पे है जुडिशियरी, सेवेंथ पे है फेडरलिज्म, एट में है लोकल गवर्नमेंट, नाइन में है कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट और चैप्टर टेन है आपका द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका प्रेजेंटली जो आपके पास किताब अवेलेबल है। तो इस बार 2020 सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है यहाँ देखिए, सी यूनिट से, कंटेंट से और यहाँ मार्किंग से। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है एज इट इज, सेकेंड यहाँ क्या है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वो कैसा है। सी आपकी किताब में सेकंड चैप्टर कौन सा है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर के साथ में एड हो गया है, ये डिलीट नहीं हुआ है बल्कि ये चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर के साथ में एड कर दिया गया है। ओके, तो जिसकी वजह से सेकंड चैप्टर जो है वो हट गया है और जो थर्ड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर बन गया है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये एज इट इज आपको पढ़ना है। क्लियर। देन नंबर थ्री यहाँ क्या है लेजिस्लेचर, यहाँ कौन सा था नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव है, फिफ्थ पे था लेजिस्लेचर, तो दोनों को चेंज कर दिया गया है, नंबर थ्री पे यहाँ लेजिस्लेचर हो गया, नंबर फोर पे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो गया है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये आपको एज इट इज पढ़ना है। देन क्या है आपका फिफ्थ पे है जुडिशियरी, यहाँ पे नंबर सिक्स पे था, ये भी एज इट इज आपको पढ़ना है, यहाँ कुछ भी लाइक डिलीशन नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है नंबर सिक्स पे है लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो आपकी किताब में जुडिशियरी के बाद कौन सा है फेडरलिज्म, तो ये फेडरलिज्म चैप्टर जो है इस बार 2020 सिलेबस में इसको डिडक्ट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या है लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट आपको पढ़ना है लेकिन लोकल गवर्नमेंट में दो टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर को अगर खोल के देखते हैं तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन मिलता है, व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट और ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये जो दो टॉपिक है वो इस बार के 2020 सिलेबस के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, तो ये डिलीटेड टॉपिक्स है, आप चाहे इसको कट कर सकते हैं या फिर स्टेपल लगा के भी इस बार के लिए रख सकते हैं। ओके, एंड देन सी लोकल गवर्नमेंट के बाद में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और नेक्स्ट ये आपका नंबर टेन पे कौन सा था द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये दोनों जो चैप्टर्स है वो डिलीट नहीं हुआ है, लास्ट चैप्टर द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला तो पहले ही साल में कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसके साथ में एड हो गया था। ओके, तो ये डिलीट नहीं हुआ है, ये एड हुआ था पहले से, तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही था।
देन क्या है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, ये वाला जो 9th चैप्टर है ये भी आपके 1st चैप्टर के साथ में ऐड हो गया है। समझ में आया सी? तो और एक बार समझते हैं सी, जो 1st चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन है आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना खुद का टॉपिक है, एंड देन जो 2nd चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, और नंबर 10 है द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे चैप्टर 1st चैप्टर के साथ में ऐड हो गया है। ओके, देन बाकी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये एज इट इज आपको पढ़ना है। फेडरलिज्म चैप्टर डिलीट हो गया है। देन नंबर 6 पे कौन सा हो गया अभी, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें से भी 2 टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट और ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, तो इतना इस बार 2020 सिलेबस में आपको पढ़ना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी, नई सिलेबस के हिसाब से मार्किंग स्कीम कैसा है। जो 1st चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है, चैप्टर 1, 2, 9 और 10, 4 चैप्टर्स है ना, तो 4 चैप्टर्स को ऐड करके आपका चैप्टर 1 बना है, जिसमें से 13 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। यू कैन अमेजिन, 13 मार्क्स का सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। डेफिनेटली काफी टॉपिक्स और यूनिट्स वहां एज भी हुआ है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, एंड देन इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन और लेजिस्लेचर, ये दोनों चैप्टर से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एंड देन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये दोनों चैप्टर से भी 12 मार्क्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। और जो लोकल गवर्नमेंट है नंबर 6 हमारा जो चैप्टर, उसमें से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। तो टोटल मिला के हो गया है यहाँ पे 40 मार्क्स। आई होप दिस इज क्लियर है, इज़न्ट इट? अब हम हमारा जो दूसरा किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पॉलिटिकल थ्योरी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोलिए, और उसमें जो कंटेंट पोर्शन लिखा है उसको खोलिए, इज़न्ट इट? एंड देन लेट्स हैव अ लुक। सी, यूनिट 1 पे है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, 2nd पे है फ्रीडम, 3rd में इक्वालिटी, नंबर 4 पे है सोशल जस्टिस, नंबर 5 पे है राइट्स, नंबर 6 है सिटीजनशिप, 7th है नेशनलिज्म, 8 है सेकुलरिज्म, 9 पे है पीस, और नंबर 10th पे है आपका डेवलपमेंट। ये है जो आपके सामने जो टेक्स्ट बुक है उसके सिलेबस के हिसाब से। नाउ सी, इस बार COVID-19 पैंडेमिक की वजह से, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि 30% सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का जो किताब है उसमें भी कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर गया है। तो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ इस बार के सिलेबस जो नया सिलेबस है वो हिसाब से नंबर 1 पे है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, दिस इज सेम। ओके, 2nd है आपका लिबर्टी, यहाँ क्या था, फ्रीडम है, जिसका नाम चेंज करके लिबर्टी रखा गया है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम, अंदर का जो कंटेंट है वो लगभग सेम है। एंड देन इक्वालिटी, नंबर 4 पे है जस्टिस, यहाँ सोशल जस्टिस है इसमें, तो जिसको चेंज करके इस बार जस्टिस रखा गया है, नंबर 5 पे है राइट्स, और नंबर 6 पे है आपका डेवलपमेंट। यानी कि इस बार 2020 सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नाउ सी, राइट्स के बाद में आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, नंबर 6 पे है सिटीजनशिप, 7 पे है नेशनलिज्म, 8 पे है सेकुलरिज्म, और नंबर 9 पे है आपका पीस, इसमें तो ये जो पीस चैप्टर है वो लास्ट ईयर ही डिलीट हो चुका था। ओके, यानी कि आपके जस्ट इमीडिएटली जब आप क्लास 10 को पास आउट होकर आए थे तभी ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इस बार फिर से जब कोविड आया तो उसके बाद में पैंडेमिक की वजह से क्लासेस नहीं हो पाया, तो उस वजह से और 30% रिडक्शन हुआ था, जिसमें से आपका सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तीनों चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। ओके, जिसका सिंपल मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि चैप्टर 6 सिटीजनशिप, 7 नेशनलिज्म, 8 सेकुलरिज्म और 9 पीस, ये चारों चैप्टर्स इस बार हमको नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो कौन सा पढ़ना है, ओनली 6 चैप्टर, पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन,
लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स और डेवलपमेंट. वेरी सिंपल एंड इजी, इज़न्ट इट? नाउ सी, अब देखते हैं इसके मार्किंग्स की. सबसे पहला क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन से आपको एग्जाम्स में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे. देन लिबर्टी और इक्वालिटी में से आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएगा, जस्टिस और राइट्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, और डेवलपमेंट से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएगा. तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करने हैं. तो यहाँ जो टोटल है वो आपका हो जाता है 40 मार्क्स, इज़न्ट इट? तो हमारे पास 2 किताब है. पहला क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें से 40 मार्क्स का था, इज़न्ट इट? और जो दूसरा किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा. तो 40 प्लस 40 होता है आपका 80 मार्क्स, और जो रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल है, यानी कि प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, तो 80 प्लस 20 होता है आपका 100 मार्क्स, इज़न्ट इट? तो ये है आपका इस बार का 2020 लेक्चर्स क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, इज़न्ट इट? तो अब आने वाले वीडियोस में हम हर एक चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे. तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम के साथ में बने रहिएगा. विद दिस, थैंक यू सो मच. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in the next video. Thank you.